जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और लाइन देख सकते हैं आप सभी, कितनी ज्यादा लंबी ये लाइन है। जय जगन्नाथ। तो वक्त आ गया है भगवान जगन्नाथ जी के पावन दर्शन करने का। तो मैं मेरी वाइफ और मेरे परिवार के साथ, मैं अपने माता पिता के साथ अभी जा रहा हूँ भगवान जगन्नाथ जी के पावन दर्शन करने। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं भगवान जगन्नाथ का। लेट्स गो। यहाँ से मंदिर और 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। तो चलिए बाई फोटो चलते हैं मंदिर की ओर। लेट्स गो। तो हम लोग का टोटो आ चुका है, ई रिक्शा आ चुका है, और इसी के द्वारा हम लोग जाएंगे जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर। तो चलिए चलते हैं, जल्द से जल्द इसमें बैठते हैं और चलते हैं जगन्नाथ भगवान के मंदिर की ओर। जय जगन्नाथ। हमारे इस होटल से, हमारे इस स्टे से भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की दूरी है लगभग 3 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। मेरे परिवार के सदस्य भी इस टोटो में बैठ चुके हैं, मेरी माँ बैठ चुकी है, मेरी वाइफ बैठ चुकी है, और मेरे पिताजी भी इस टोटो में बैठ चुके हैं अब। तो चलिए चलते हैं। जय जगन्नाथ। चलिए चलते हैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने। लेट्स गो विद अस। तो फिलहाल हम लोग वॉकिंग करते करते अब जाएंगे मंदिर प्रांगण के अंदर, क्योंकि हम लोगों की ई रिक्शा यहीं तक जाएगी। तो चलिए चलते हैं वॉकिंग करते करते अब भगवान जगन्नाथ जी के धाम की ओर। बाप रे बाप, क्या ही ज़बरदस्त भीड़ है। OMG, जी हाँ, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं आखिर लाइन कितनी लंबी है। बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ है आज यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, और लाइन देख सकते हैं आप सभी, कितनी ज़्यादा लंबी ये लाइन है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं हम लोगों को भी दर्शन करने में। तो चलिए मोबाइल को लोकर रूम में जमा करते हैं, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं। जय जगन्नाथ। और फिलहाल 4 घंटे लाइन में लगने के बाद भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हो चुके हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त आज भीड़ थी, इसीलिए हम लोगों को लगभग 4 घंटे का वक्त लग गया लाइन में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल हम लोग दर्शन करने के बाद बाहर निकल चुके हैं और चलते हैं भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर प्रांगण की ओर फिर से एक बार, और देखते हैं आखिर क्या यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा धूमधाम से। तो चलिए चलते हैं मंदिर प्रांगण की ओर। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने में आया था मकर संक्रांति से एक दिन पहले, और जिसके चलते यहाँ पर देख सकते हैं श्रद्धालुओं की कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। और आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कुछ यहाँ के ट्रेडिशन कल्चर को आपको देखने को मिलेगा अभी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। और चलिए एंजॉय करते हैं आखिर क्या यहाँ पर हो रहा है। मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता चला है कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर या उससे एक दिन पहले हर एक साल यहाँ पर इस तरह से धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आनंद लेते हैं और देखते हैं। OMG। We'll be right back.
दोस्तों सच कहूँ तो मैं यहाँ पर आया था भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने, लेकिन यहाँ पर इस तरह का माहौल देखकर, इस तरह का एटमॉस्फेयर देखकर मेरे पास शब्द नहीं है मुझे कैसा महसूस हो रहा है। और सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है अभी फिलहाल यहाँ पर। जय जगन्नाथ। तो आज इस पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन तो हो ही गए, साथ ही यहाँ के कल्चरल ट्रेडिशन को भी देखने को हम लोगों को मिला, तो सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हेलो दोस्तों, फिर से हम लोग आ चुके हैं अपने दूसरे दिन भी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने, क्योंकि आज हम लोगों की पूरी यात्रा का लास्ट डे था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग अपनी यात्रा को संपन्न करेंगे। तो फिलहाल हम लोग भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने फिर से वापस से आ चुके हैं, तो आप सभी भी भगवान जगन्नाथ जी के इस अद्भुत मंदिर का दर्शन कर सकते हैं और देख सकते हैं। भक्तों का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है, क्योंकि कल था मकर संक्रांत और आज के दिन भी यहाँ पर भक्तों की बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ है, बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ है। तो चलिए दर्शन करते हैं फिर से भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का। जय जगन्नाथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर पेड़ों को रखा जाता है, लाया जाता है जब भी कोई अवसर होता है, शुभ अवसर होता है, जैसा कि अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों भगवान जगन्नाथ के पावन धाम की यात्रा अभी तक आपने जो मेरी ये ब्लॉग देखी होगी, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। और भक्तों की भीड़ तो आपने देखा है कितनी ज़बरदस्त भीड़ थी। तो दोस्तों फिलहाल वक्त आ गया है भगवान जगन्नाथ जी के धाम को छोड़कर वापस अब जाने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी भगवान जगन्नाथ धाम की ये ब्लॉग, ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और साथ ही चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।